तो आइए जो है देखिएगा, तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 7 है, जिसमें इस 7 में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन टेबल निकालना है। तो ऑब्जर्वेशन टेबल क्या है कि टू कन्वर्ट गैल्वानोमीटर इनटू अमीटर इन गिवन है, मतलब किसी जो है गैल्वानोमीटर, कोई गैल्वानोमीटर हो तो देखिएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग पास क्या है, कोई गैल्वानोमीटर है। आपने जो अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप एक्सपेरिमेंटल नॉलेज एक्सपेरिमेंट में जाके पिछली वीडियो आप सबसे पहले उसको देख लीजिए, कैसे जो है कनेक्शन है, कैसे उसकी रीडिंग लेती है, कैसे इसको जोड़ते हैं, फिर उसके बाद आप ऑब्जर्वेशन टेबल क्या करिए डायरेक्ट फाइल में लिख सकते हैं। तो देखिएगा क्या है, टू कन्वर्ट गैल्वानोमीटर इनटू एमीटर गिवन है टेबल फॉर रेक्टिफिकेशन 7 एक्सपेरिमेंट 7A 7B, इसके पहले करा था। तो 7A भी क्या, देखिए क्या है, सबसे पहले सीरियल नंबर है, हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले रीडिंग किसकी लेंगे, तो अमीटर की रीडिंग डायरेक्ट ले लेंगे। तो जब पहले भी क्या होगा, जब अमीटर की रीडिंग कितनी आ गई, जब उसको रेजिस्टेंस बॉक्स हम लोग उसको रेजिस्टेंस को क्या करते हैं सेट करते हैं, तो 0.5 जो है अमीटर की रीडिंग आ गई। तो गैल्वानोमीटर में हमने देखा कि 5 डिवीजन लिया है, और यहाँ से लीस्ट काउंट कितना 0.1 से मल्टीप्लाई किया 0.5, तो इधर देखिए 0.5, यहाँ पे 0.5, एरर 0 गया, मतलब दोनों करेक्ट है, जितना गैल्वानोमीटर से उतना अमीटर की रीडिंग है। फिर जब रीडिंग लेते हैं अमीटर से तो 1 आता है, और गैल्वानोमीटर की रीडिंग हम लोग लेते हैं तो यहाँ कितना 10 डिवीजन हो गया, और के से मल्टीप्लाई कर दिया कितना हो गया 10 × 0.1 कितना हो गया 1 आ गया। तो जब देखते हैं यहाँ पर भी कितना हो 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो एरर 0 हो गया, मतलब दोनों की वैल्यू सेम से माना। फिर जब तीसरी रीडिंग लेते हैं तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर रीडिंग अमीटर की डायरेक्टली 1.5 है, गैल्वानोमीटर में 15 डिवीजन गया, लीस्ट काउंट से हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया तो 1.5, तो यहाँ पर यहाँ भी बराबर हो गया। फिर लास्ट हम लोग देखते हैं क्या फोर्थ में, तो रीडिंग जो है अमीटर की कितनी है, तो 2 है, गैल्वानोमीटर में 20 डिफ्लेक्शन हुआ, और यहाँ पे कितना हो गया लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई 2 आ गया, और यहाँ पे एरर 0। इसका मतलब होगा गैल्वानोमीटर को अमीटर में हम लोग चेंज कर लिए इजीली, और जो वायर लग गया उसको, जो वायर लगा था गैल्वानो, तो इस तरीके से हम लोग ने देखा कि वेरीफाई करके कि गैल्वानोमीटर को अमीटर में हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से रीडिंग लेके वेरीफाई कर लेते हैं, एरर भी नहीं है, ठीक है। तो एक एक करके रेजिस्टेंस को हाई रेजिस्टेंस से निकाल के सेट करना होता है, तो वो आपने देखा है, अगर आप नहीं देखे पिछली वीडियो में जाकर देख लीजिए और इसको फिल कर सकते हैं। तो जो हम लोग का वायर का लेंथ होगा ना, तो लगभग 52 जो है हमारा सेंटीमीटर के वायर का लेंथ, ये डायमीटर हो रहा है, ठीक है। ये वायर का हमारा कितना है, डायमीटर वायर का है 52 सेंटीमीटर लगभग, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से देख लिए, आपको समझ आ जाएगा, कोई डाउट नहीं। तो इस तरीके से अगर आप एक्सपेरिमेंट करके उसका ऑब्जर्वेशन टेबल नोट करते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा लाइटिंग दिखा देते हैं आपको, और कहाँ पे जो है